नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं News 21 TV। आइए देखते हैं ये खास खबर। जेसीबी मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल के प्रिंसिपल एस के शर्मा ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ न भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो एक दूसरे के प्रति पुराने समय में रहा करती थी।
स्तर शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जाए, इस संदर्भ में आप अपने विचार व्यक्त करें। वैष्णव जी, मैं 87 से कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ, जहाँ हम 71 से स्कूल में घुसे हैं और अब तक भी स्कूल में ही हैं, तो हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। अब से 25-30 साल पहले, 91 से पहले, 91 के आसपास जो था वो बहुत ही बैलेंस, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन था, और पेरेंट्स कभी टीचर को अपने अनुसार नहीं चलाते थे, टीचर बच्चों को अपने अनुसार चलाता था, पेरेंट्स को अपने अनुसार चलता था। जब टीचर्स की, बच्चे ओबीडियंट नहीं होंगे, टीचर्स की नहीं मानेंगे, पेरेंट्स टीचर्स को फॉलो नहीं करेंगे, टीचर्स के टीचर्स को की आज्ञा नहीं मानेंगे पेरेंट्स तक भी, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। सर, आज नैतिक मूल्यों में गिरावट जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? इसका शिक्षक नहीं है, शिक्षक आज भी वही है, शिक्षक तो 30 साल पुराना जो शिक्षक था आज भी वही शिक्षक है। हाँ, इतना फर्क पड़ा है कि शिक्षा में मुख्य रूप से जो आज टीचिंग में आ रहे हैं जो लड़के लड़कियाँ, वो टाइम पास ज़्यादा हैं, डेडिकेटेड कम है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ डेडिकेशन कम है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभिभावक अब पेरेंट्स को, पेरेंट्स लगभग धृतराष्ट्र का रूप धारण कर चुके हैं, वो इतना ज़्यादा धृतराष्ट्र हो चुके हैं कि हम एक थप्पड़ भी लगा देते हैं, अगर धमका भी देते हैं तो भी हमारे पास शिकायतें आ जाती हैं, जबकि 30 साल पहले ऐसा नहीं था। सबसे ज़्यादा नैतिक मूल्यों में गिरावट के लिए जिम्मेदार है तो खुद अभिभावकों का धृतराष्ट्रपना है। सर, आज यौन शिक्षा को क्या अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास में? मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में, मैं यौन शिक्षा के फेवर में मैं चाहे बी ग्रेजुएशन लेवल पर भी राजी नहीं हूँ। ये प्राकृतिक क्रिया है, हमें खाना भगवान सिखाता है, हमें पीना भगवान सिखाता है, देखना भगवान सिखाता है, उसने जो अंग दिए हैं वो अंगों का प्रयोग करना ईश्वर की प्राकृतिक देन है। पशु भी होते हैं, उनको कोई शिक्षा देता है? ये तो एक सगुखा बना रखा है। यूरोप की संस्कृति हमारे यहाँ नहीं चल सकती, हर देश की हर समाज की संस्कृति और जो क्लाइमेट के आधार पर निर्भर करती है, यूरोप की संस्कृति हमारे यहाँ संस्कृति नहीं चल सकती है। सभी जगह सर, आज प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा को एक व्यवसाय बनाने का आरोप लगता है, आप कहाँ तक इस बात से सहमत? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है, क्योंकि पहले जो स्कूल खोलते थे वो शिक्षक खोलते थे, संस्थाएं खोलती थी, बाकायदा डोनेशन होता था और बहुत कम फीसेज ली जाती थी। आज जितने भी स्कूल खुल रहे हैं, अभी फरीदाबाद में, पलवल में 15-20-50 स्कूल खुले हैं पिछले 10 सालों के, 2000 के बाद इतना भयानक कॉमर्शलाइजेशन हुआ कि इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट कूद पड़े हैं, और ये एमबीए का बिजनेस हो गया, इसमें प्रिंसिपल नहीं है, अब एमबीए हैं और मार्केटिंग है, और ये जो सारा व्यवसायीकरण किया है, ये जो बिजनेसमैन इस क्षेत्र में घुसे हैं उससे हुआ है। अंत में सर, छात्र अब पढ़ाई के माध्यम से अपना कैसे उज्ज्वल भविष्य बनाएं, कोई आप अपना संदेश दें बच्चों? देखो, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये कई चीज़ें ऐसी हैं, डिसिप्लिन, जिनका कॉम्बिनेशन ही बच्चे को, जो बच्चा डिसिप्लिनड है, और डिसिप्लिन की बहुत वाइड डेफिनेशन है, डिसिप्लिन चाहे स्कूल का हो, पीरियड्स का हो, मिसिंग का हो, होमवर्क का हो, चाहे घरेलू हो, बच्चा जैसी सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, घर में, परिवार में, उसके जो गुण हैं उन सभी गुणों के समावेश से शिक्षा ज्ञान होता है। शिक्षा एक लिमिटेड चीज़ है, शिक्षा एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, और ज्ञान एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान के लिए पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं है। हम बच्चों को ज्ञान नहीं देते, हम शिक्षा बेचते हैं और बच्चे शिक्षा खरीद रहे हैं। तो कॉमर्शलाइजेशन यू इतना बड़ा भयानक कॉमर्शलाइजेशन हुआ है कि हम खुद ताज्जुब करते हैं कि कितना परिवर्तन हो गया शिक्षा में। आज पहले बच्चे टीचर देखते थे और पेड़ के नीचे पढ़ते थे, आज बच्चे बिल्डिंग देखते हैं, टीचर नहीं देखते, टीचर कैसा है, कौन है, क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका करेक्टर कैसा है, इसका क्या नाम है, आइडियल है या नहीं है, नैतिकता इसमें खुद टीचर में ही है या नहीं है, तो आज टीचर नहीं देख रहे। जब मैंने स्कूल खोला था, टीन शेड में मैंने स्कूल खोला, और मेरे पास शहर के सारे वीआईपीज के बच्चे पढ़ते थे उस टीन शेड में। आज हालत ये हो गई है
कि जिसकी बड़ी बिल्डिंग वही बड़ा स्कूल। सर आज आपके स्कूल में कितने छात्र छात्राएं पढ़ते हैं? हमारे स्कूल में लगभग 1100 बच्चे हैं और स्कूल 90 में मैंने स्टार्ट किया था तो लगभग 28 साल स्कूल को हो गए। बहुत सारी चीज़ें हमने अपने सामने बदलती देखी हैं। 10-15 साल से तो मैंने भी कोई पनिशमेंट नहीं देता बिल्कुल भी। इवन देन कान पकड़ने की पनिशमेंट अलाउ नहीं कर रखी है। अब क्या करें, CBSE ने सारा सत्यानाश कर दिया। ये एक राज्य एक बोर्ड की प्रणाली होनी चाहिए। जब एक स्कूल पड़ोस में CBSE के नाम से पैसे लूट रहा है, एक बोर्ड हरियाणा बोर्ड के नाम से चल रहा है, हरियाणा बोर्ड को लोग इंग्लिश मीडियम नहीं समझते जबकि हरियाणा बोर्ड इंग्लिश मीडियम है। सिर्फ फर्क है गाँवों का। अब यहाँ गांव ज़्यादा हैं, दिल्ली में गांव कम हैं। दिल्ली के जो गांव हैं उनका भी स्टैंडर्ड चाहे CBSE में हो चाहे हरियाणा में हो बराबर है। मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल भी या तो CBSE से कर दो या HBSE ख़त्म। अगर CBSE अच्छी एजुकेशन दे रही है तो HBSE क्यों? अगर HBSE एजुकेशन को संभालने में समर्थ है तो फिर CBSE क्यों?